जी जी सर बोल नहीं सर टेंशन नहीं सर क्या हो गया सर क्या टेंशन ही नहीं बिल्कुल सर नहीं बेफिक्र हो जाए सर मैं आ जाऊँगा फिक्र की जरूरत नहीं मैं खुद टैक्सी में आ जाऊँगा जी जी मैं सारी फाइल्स लेकर आऊँगा नहीं नहीं टेंशन नहीं नहीं आपको देने की जरूरत नहीं यार नहीं सर आप टेंशन नहीं मैं आ जाऊँगा आप बेफिक्र जी जी मैं आ जाऊँगा ओके ओके अल्लाह हाफिज़ कौन था बॉस यार और कौन इस वक्त तेरा बॉस वक्त देख के कॉल करता है क्या पॉइंट सुनाओ फिर कैसे जा रही है तुम्हारी कॉर्पोरेट स्लेवरी मत पूछ बावे हर कोई बजा रहा है यार हर कोई बजा रहा है तो तू जॉब से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था हार बनाया क्या तुझे मैं तो कहता कोई बिजनेस करते हैं हो गया सास मिल गया एक्सपोजर हाँ यार ना एक्स मिली ना एक्सपोजर यार वैसे आमिश मैं सोच रहा हूँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करूँ क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या एक्सपोर्ट करेगा चावल 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 कहाँ से आएंगे आ जाएंगे अच्छा और इंपोर्ट क्या करेगा हैवी मशीनरी हैवी मशीनरी उसके लिए लाखों लगते हैं वो लाखों कहाँ से आएंगे आ जाएंगे तू बेटा नौकरी करेगा हाँ तो भी तू बता दो ना कोई बिजनेस पे मैंने तो सोच लिया फोर सीजन बिजनेस करना फोर सीजन बिजनेस जैसे कि जूस जूस मेरी बात सुन 25,000 का स्टॉल 10,000 की मशीनरी और 100 रुपए की गाजरें और भाई मैं गाजर नहीं काट रहा पहले ही बता रहा हूँ मैं यार इंटर्न्स रखेंगे तू टेंशन क्यों ले रहा है ओह इंटर्न्स वसी कारोबार का हिस्सा बने बिल्कुल मुझे एक बात बता फोर सीजन कैसे गर्मियों में करेंगे हम एक स्टॉल है मशीनरी भी है गन्ना लाएंगे और जूस निकालेंगे अबे एक साल में देखिए एक साल में इतना एक्सपेंड कर देना पूरे लाहौर में इतना एक्सपेंड कर देना कि हर जगह एजेसी 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 आमिश जूस कौन है वाह वाह जी वाह पैसा ही पैसा है पैसा ही पैसा ध्यान से करी यार नहीं होती यार अब जॉब यार नहीं होती कसम से यार ओवरटाइम की तो छोड़ वो बंदा एक्नॉलेजमेंट का नोट नहीं देता यार क्यों दें वो तो यही कहेंगे यही मेहनत का वक्त है इसके बाद हमने अंबानी बन जाना है अंबानी नहीं मलिक रियाज प्लाटी प्लाट प्लाचोर यार प्लाटी प्लाट एक बात तो बता तेरी प्रेजेंटेशन होगी सुबह की कहाँ यार घर आके ऑफिस का काम करने का दिल ही नहीं करता तो क्यों करता है भाई वो पैसे देती हैं बट यही बातें इन्हीं बातों की वजह से तो सारी जिंदगी नौकर बन के रहेगा हट जाए मेरी नजरों से वो एक मिनट कॉल आ रही जी जी बॉस जी जी सर आप क्यों डिले कर रहे हैं टेंशन नहीं मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैं तेरे एजेसी नहीं नहीं सर आपको जा रहा हूं पेंशन बनाने नहीं नहीं सर आप फिक्र ना करें सर मैं पहुंच जाऊंगा नहीं नहीं सर आप मैं बेफिक्र हो जाएं सर आपको कोई जरूरत नहीं मैं फाइल्स लेके आऊंगा जी जी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा आप बेफिक्र हो जाएं आप बेफिक्र हो जाएं सर आपको उठाने की जरूरत नहीं मैं पहुंच जाऊंगा नहीं सर कैंसिल ना करें सर क्या हो गया सर मैं आ जाऊंगा बिल्कुल बेफिक्र मैं कर लूंगा इसका कुछ नहीं हो सकता अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब भी करवाना और सब्सक्राइब करें अनोखे को कौन था बॉस और कौन इस वक्त एक मिनट यार वो पीछे जाने की वजह से मेरा पूरा जोन कट हो गया इस वक्त तेरा बॉस वक्त देख के टाइम करता है ये इतना अच्छा जा रहा था मैं तेरे क्यों भूल जाता यार बॉस और कौन फिर मैं चला